चलो लेट अस स्टार्ट। यस देयर इन दैट एक बार हम मैग्नेटिक इंडक्शन डिवाइस कर रहे हैं। क्लियर नहीं हो रहा? Permeability
medium. And the ratio of feed lines in medium to vacuum is called UR. UR is called relative magnetic permeability. समझ में बात को? अब जब सब्सटेंस मैग्नेटाइज होना शुरू करता है तो किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज होगा, इसको हम किससे करते हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से. किससे? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इट इज द एक्सटेंट अप टू विच स्पेसिमेन कैन बी मैग्नेटाइज्ड. करेक्ट है. और मेजर कैसे करते हैं इसको? हम इसको मेजर करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम. समझ गए? आई के यूनिट्स हैं, ये भी एम्पियर पर मीटर है. क्लियर? मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट्स एम्पियर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम के मीटर क्यूब, तो अपने आप एम्पियर पर मीटर आ जाएगा. व्हाट इज पोल स्ट्रेंथ? पोल स्ट्रेंथ डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट इज पोल स्ट्रेंथ into length, volume is area, into length is pole strength per unit area. Correct? किस extent तक substance को magnetize कर सकते हैं हम? उसको हम I से निकालते हैं. ये substance की material property है कि 60% बनेगा, 70% बनेगा, 80% बनेगा, किस magnetize को होगा. समझ गए हो? समझ में आ गया? जो field हम लगा रहे हैं to magnetize the specimen is called magnetizing field. वो फील्ड दैट उसको फोर्स करेगी सो दैट दे कैन बी ऑर्टेड इन वन डायरेक्शन, दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी. मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज आल्सो डिफाइंड एज नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड टू इंड्यूस मैग्नेटिज्म बी नॉट इन द स्पेसिमेन. करेक्ट है. अगर एयर कोर होगा तो बी नॉट इक्वल्स टू क्या होएगा? बी नॉट एच. मीडियम कोर होगा, आपको मीडियम दिया जाएगा, तो बी इक्वल्स टू बी एच. रेशियो ऑफ फील्ड लाइंस इन मीडियम टू वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी. करेक्ट. किस एक्सटेंट तक सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो सकता है उसको निकालते हैं हम आई से. तो आई इज अ मेजर अप टू सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज एंड इज आल्सो डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम. तो मैग्नेटिक मोमेंट इज मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, यूनिट्स आ जाएंगे एम्पियर पर मीटर. एंड इज मैग्नेटिक मोमेंट इज फोर्स इनटू लेंथ एम बाय ए, फोर्स स्ट्रेंथ पर यूनिट. That's clear? Okay. आगे देखो. So, vacuum. उसके बाद we have magnetic susceptibility. Magnetic susceptibility. सिंबल काई, काई. दिस सिंबल इज कॉल्ड काई. तो इट इज द ईज विद दिस स्पेसिमेन कैन बी मैग्नेटाइज्ड. जितनी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी उतना सब्सटेंस मैग्नेटाइज करना आसान होगा, जितनी इसकी वैल्यू कम होगी उतना मैग्नेटाइज करना मुश्किल होगा. इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी रिलेशन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उसकी रेशियो. करेक्ट. तो काइन की एज इट इज नो यूनिट्स हैं, इसके ना यूनिट्स हैं ना ही इसका कोई डायमेंशन है. करेक्ट है. और सेम यू आर के भी कोई यूनिट्स नहीं है, नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशन. डायमेंशन इज फाउंड जस्ट रेशियो है, ये भी जस्ट रेशियो है. करेक्ट है. तो इट इज द ईज विद दिस स्पेसिमेन कैन बी मैग्नेटाइज्ड, इज रेशियो ऑफ इंटेंसिटी रिलेशन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी. अगर हम मैग्नेटिसिटी बहुत लगाते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं डायपोल्स को, बट डायपोल्स मैग्नेटिज्म बहुत कम इंड्यूस होता है, तो वैल्यू बहुत कम होगी, तो मैग्नेटिक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा. अगर बहुत कम फोर्स लगाते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, मैग्नेटिक करना आसान होगा, इसकी वैल्यू हायर होगी. तो हायर द वैल्यू ऑफ काई एम मोर इजियर टू मैग्नेटाइज द स्पेसिफिक. समझ गए. नेक्स्ट वन आता है, नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन UR एंड टाइम. तो हमने क्या किया, हमने एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई
बी नॉट स्पेसिम रखा, स्पेसिम में फील्ड इंड्यूस कर गई बी आई, तो नेट फील्ड जो वापस आ गई ड्यूरिंग द स्पेसिम इन द मीडियम है, स्पेसिम के मीडियम के अंदर की बात कर रहे हैं, मीडियम नोट कर रहे हैं, इट इज फील्ड अप्लाइड प्लस जो उसके अंदर इंड्यूस करी है, करेक्ट। तो बी नॉट इज द फील्ड लाइन जो हमने अप्लाई करी थी वो पास करेगी, और बी आई इज द फील्ड इंड्यूस जो उसके अंदर इंड्यूस हुई है उसकी वजह से फील्ड लाइन पास करेगी। तो नेट मैग्नेटिज्म स्पेसिमेन के अंदर जो होगा क्या हो जाएगा, बी नॉट प्लस इंड्यूस। अब कितना इंड्यूस कर रहा है डिपेंड करता है कितनी उसकी मैग्नेटाइज होने की इंटेंसिटी थी, जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतना ज्यादा वो इंड्यूस कर रहा है, और बी इंड्यूस्ड इक्वल्स टू बी नॉट वाई हम भी जानते हैं। तो बी इक्वल्स टू क्या होता है बी एच, बी नॉट इक्वल्स टू क्या होता है बी नॉट एच, और काई इक्वल्स टू क्या होता है आई बाई एच। ये सब रिलेशन हमने अभी वैस किए हैं, इन सबको पुट कर दो तो बी आ जाएगा हमारे पास म्यू एच, बी नॉट हो जाएगा बी नॉट एच, बी इंड्यूस हो जाएगा बी नॉट आई। तो ये म्यू एच इक्वल्स टू बी नॉट एच प्लस बी नॉट आई, आई इक्वल्स टू काई एम एच हो जाएगा, आई इक्वल्स टू काई एम एच, एच कॉमन लेकर जाएगा तो म्यू इक्वल्स टू बी नॉट वन प्लस काई, और म्यू बी नॉट ये हो जाएगा आपका म्यू आर, तो म्यू आर इक्वल्स टू वन प्लस काई। ओके ड्रे नेक्स्ट वापस आता है इसके अंदर, इतना क्लियर है ओके। फिर इसका सीट उसके बाद हमने किया था हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस हिस्टेरेसिस बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाते हैं उसके अंदर एक स्पेसिमेन रखते हैं, उसमें इंड्यूस मैग्नेटिज्म एच है, यहाँ पे एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी को नहीं इंड्यूस मैग्नेटिज्म को डिनोट कर रहा है। तो बी बेसिकली इज अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड एच इक्वल्स टू इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। अब अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहाँ पर बस इंड्यूस मैग्नेटिज्म है, यहाँ लाइट फील्ड है, तो जब हमने फील्ड नहीं लगाई तो डाइपोल्स को कोई फोर्स नहीं लगेगी, वो रैंडम भी ऑर्बिट थे रैंडम ऑर्बिट रहेंगे, और नेट मैग्नेटिज्म होगा उसका जीरो। ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, तो हम फील्ड को धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू करते हैं, डाइपोल्स को फोर्स करना शुरू होगी, और धीरे धीरे करके उस डायरेक्शन में लाइन होना शुरू हो जाएंगे, तो मैग्नेटिज्म से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना इंड्यूस होना होगा उतना हो जाएगा, उसके बाद और नहीं होगा, तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड सैचुरेशन वैल्यू, ये सैचुरेट हो चुका है, उससे ज्यादा मैग्नेटाइज वो उस फील्ड के अंदर नहीं हो सकता, करेक्ट। उसके बाद हमने फील्ड को रिड्यूस करना शुरू किया, रिड्यूस करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए, पहुंचे गए पी पर, पी स्क्वायर क्यू पर, तो क्यू पर आकर हमने अपनी फील्ड जो हमने लगाई थी उसको हटा दिया, जब हम यहाँ पहुंचे तो फील्ड को हमने क्या कर दिया हटा दिया, फिर भी कुछ मैग्नेटिज्म इसके अंदर बचा हुआ रह जाएगा, तो दैट मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, इसको बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, यह इसका एक नाम है रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी। एक नाम और है रेमिनेंस, तो रेमिनेंस रिटेंटिविटी या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इज मैग्नेटिज्म रिमेन्ड इन द स्पेसिमेन इवन दो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, फील्ड हटाने के बावजूद भी मैग्नेटिज्म इसके अंदर बचा हुआ रह जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रेमिनेंस या रिटेंटिविटी। उसको हटाने के लिए हम फील्ड को रिवर्स डायरेक्शन में लगाते हैं, तो ग्राफ चल पड़ता है हमारा अब ऐसे, वो लाइक दिस ऐसे आ जाए। अब यहां पहुंचे तो यहां तक आ गए ओ आर, ओ आर क्या है, ओ आर इज अ नेगेटिव फील्ड,
इन ऑपोजिट डायरेक्शन जो हमें लगानी पड़ी ताकि इंड्यूस मेडिसिन को खत्म किया जा सके। ठीक है, तो नेगेटिव फील्ड जो हमें लगानी पड़ी टू ब्रिंग बैक द इंड्यूस मेडिसिन टू जीरो इज कॉल्ड फोर्सिंग फील्ड। ओआर हमारे पास क्या है? ओआर है फोर्सिविटी। तो फोर्सिविटी इज बेसिकली इज अ नेगेटिव फील्ड व्हिच वी हैव टू अप्लाई टू ब्रिंग द इंड्यूस मेडिसिन टू जीरो। समझ गए? अब ग्राफ आपने कैसे किया? जिस डायरेक्शन फील्ड बढ़ाई आपने, तो ग्राफ ऐसे जाके ऐसे चल रहा है, ऐसे, करेक्ट? एंड द ग्राफ जो एरिया इंक्लूड कर रहा है यहाँ पे, तो एरिया इज अ मेजर ऑफ हीट प्रोड्यूस पर सेकंड। एरिया इंक्लूड बाय लूप, एरिया इंक्लूड बाय लूप इज द मेजर ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड पर साइकिल। हमें क्लियर? हीट प्रोड्यूस्ड पर साइकिल। ठीक है, अब इस ग्राफ को हम डिफरेंट डेज से क्रॉस बना के देखते हैं, किसी इंटेंसिटी ज्यादा है, किसी फोर्सिटी ज्यादा है, किसका एरिया ज्यादा है। तो जब हम ये ग्राफ बनाते हैं सॉफ्ट टाइम के लिए, ग्राफ गोज लाइक दिस। ये बनाने के लिए हम सॉफ्ट टाइमिंग के लिए तीन दिखाते हैं ग्राफ में। हमारे पास रिटेंटिविटी इज वेरी हाई बट फोर्सिविटी इज वेरी लो, जिसके लिए मेडाइज बहुत ज्यादा हो जाएगा उतनी जल्दी इसको हम डीमेडाइज कर सकते हैं। करेक्ट, रिटेंटिविटी हाई है, फोर्सिविटी कम है, तो बहुत जल्दी मेडाइज हो जाएगा, तो जल्दी इसको क्या कर सकते हैं? डीमेडाइज कर सकते हैं। समझ गए? तो इस सब ब्रेक सब चांस किस काम आते हैं? टू मेक अ टेम्परेरी मैग्नेट। ऑल्सो एरिया इंक्लोज बाय ग्राफ इज वेरी लेस, जनरेट लेस हीट पर सेकंड। क्लियर? बस मेरी यही ग्राफ हम बनाते हैं स्टील के लिए। ग्राफ गोज लाइक दिस, ऐसा है। तो ग्रे ग्राफ दिखाते हैं स्टील के लिए कि यहाँ पे रिटेंटिविटी हाई है बट फोर्सिविटी काफी ज्यादा है, तो इसको डीमेडाइज करना इज नॉट दैट इजी, बहुत वियर डियर बर्दाश्त कर सकता है, इसलिए स्टील से बनाते हैं हम बाबनेट मैग्नेट। एयर इनक्लोज काफी ज्यादा है तो बहुत हीट पैदा करेगा पर सेकंड, इन दैट केस कैन बी यूज एज अ कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। बस मैग्नेट, ओके। उसके बाद हमारे पास आता है, इज इट क्लियर? तो व्हाट इज हिस्टेरेसिस? बेसिकली हिस्टेरेसिस इज लैगिंग बिहाइंड ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म विद अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। Retentivity is a field magnetism remained in the specimen even though field is removed. Forcibility is a negative field which we have to apply to bring the induced magnetism to zero. Clear it? Okay. Let us proceed. Next one is aata hai. His Q is wrong. Q is wrong. Q is तो बेसिक प्रोसेस मैग्नेटिज्म के हम क्या कर रहे हैं? हमें जानते हैं कि हर एक स्पेसिमेन में एटॉमिक डाइपोल्स हैं जो रैंडमली ओरिएंटेड हैं, जिसकी वजह से सब्सटेंस का अनमैग्नेटाइज रहना या डायमैग्नेटिक रहना यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। जब तक हम कोई फील्ड नहीं लगाते हर सब्सटेंस नॉर्मली आपका डीमैग्नेटाइज ही रहता है, तो डीमैग्नेटाइजेशन इज द यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। करेक्ट है? तो हम क्या कर रहे हैं, हम अगर सपोज इस सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करते हैं तो फील्ड लगाएंगे, फील्ड टाइप उसको टॉप करेगी, टॉप करके इसकी नेचुरल एंड करेगी, सब्सटेंस क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा। बट अगर सपोज हम साथ के साथ टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो डाइपोल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो क्या शुरू कर देंगे? वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से उनका एक डायरेक्शन में ओरिएंट होना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। करेक्ट? तो टेम्परेचर बढ़ाने से सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज होती हैं, मैग्नेटाइज करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और कोल्ड करने पर, ठंडा करने पर इसकी वाइब्रेशन मोशन और कम होएगा, उतना ही मैग्नेटिज्म हमारा इंक्रीज करता है। करेक्ट है? तो अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। This law is basically designed for
पैरामीटर स्टांसेस, ये पैरामीटर स्टांसेस से डिजाइन किया गया था, बट इस लॉ को हम पैरामीटर के लिए भी यूज करते हैं। कितना टेम्परेचर कम होगा उतना समय मेटराइज करना होता उसको आसान होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे मेटराइज करना उसको और मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि डायपोल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, जिसकी वजह से उसको एक डायरेक्शन में ओरिएंट करना हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ इज दिस स्काई इन यूनिट टेम्परेचर ऐसे लेगा, करेक्ट। इस ग्राफ को हम फेरो के लिए भी बना लेते होते, उसमें क्या है ये ग्राफ रहता है उसमें, और फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस ये बस टाइम हो गया, टेम्परेचर ग्राफ होता है दिस, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, क्या होता है इसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर, तो काम बेसिकली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी माइनस टी सी, ये रॉ है करेक्ट। यहाँ पे क्वांटिटी प्लेस करेंगे तो काम इक्व सी बाई टी, सी इज कॉल्ड क्यू इज कॉन्स्टेंट, और ये मटीरियल पीरियड वेरी करता है, क्यू इज कॉन्स्टेंट, जैसे मटीरियल चेंज होगा वैसे इसकी वैल्यू चेंज होगी, इसी को एक फिक्स वैल्यू नहीं है, करेक्ट है। अब पैरामेटिक में ये टी सी क्यों है, क्या कहानी है, पैरामेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एक बार। पैरामेटिक में अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि इससे मैग्नेटिक पावर काफ़ी कम हो जाता है, और सब्सटेंस क्या बिहेव करता है एज अ पैरामेटिक, तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके बाद पैरामेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा वो लूज कर चुका होगा, जब पैरामैग्नेटिक कन्वर्ट ही हो गया लॉ तो फिर दोनों वैसे हो जाएगा, सिर्फ समझ गए बात को, ठीक है। यू नोट समथिंग जैसे टू मिनट्स कम डाउन चलो जी लेट अस प्रोसीड। उसके बाद वी हैव टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, बहुत ध्यान से बेसिक समझना कि क्या है कहानी, तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। देखिए मानो सपोज हम किसी एटम की बात करते हैं, एटम में न्यूक्लियस है, उसके क्रॉस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे हैं, करेक्ट है, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो होती है ऑपोजिट होती है। इन दैट केस आपने लगा दी यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, अब इलेक्ट्रॉन सपोर्ट से लगेगी, मान इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन चार्ज नेगेटिव, क्रॉस की बाहर आ रही है तो के एंड फील्ड इज जे, तो के क्रॉस जे क्या होता है, माइनस आई माइनस माइनस प्लस फोर्स का लग जाएगी प्लस आई मिलेगी, तो मैग्नेटिक फोर्स इस पार्टिकल को इस डायरेक्शन में लगेगी जो नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कम करेगी, इसकी वजह से उसकी स्पीड कम होगी, इसकी वजह से उसका मैग्नेटिज्म जो है डेवलपमेंट जो है वो कम हो जाएगा, इस डायरेक्शन में कम हो जाएगा तो इस डायरेक्शन में से भी क्या कर जाएगा बढ़ जाएगा, अब ये फोर्स उसको यहाँ लगेगी, पहले एम था एम से कम हो गया, इसको फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो इस डायरेक्शन में कुछ उल्टा है, तो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बढ़ाएगी, स्पीड बढ़ाएगी, स्पीड बढ़ाएगी बढ़ेगा एम प्लस डेल्टा एम, ये हो जाएगा करेक्ट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो बेसिकली आपका इस डायरेक्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो जिस सब्सटेंस का मैग्नेटिक मूवमेंट फील्ड के डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाता है वो तो सब्सटेंस क्या बनते हैं पैरामैग्नेटिक, और जिस सबसे मैग्नेटिज्म फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाता है वो क्या हो जाते हैं डायमैग्नेटिक, समझ गए। तो जिस सब्सटेंसेस का मैग्नेटिज्म एक्सटर्नल फील्ड लगाने पर फील्ड के डायरेक्शन मैग्नेटाइज होते हैं दैट सब्सटेंस आर पैरामैग्नेटिक, और जो सब्सटेंस फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज होते हैं दैट आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक, ये बेसिक कॉज, ठीक है। तो इन दैट केस जो आपको याद रखना है, अब टाइप्स हमारे पास तीन तरह के, एक हमारे पास आते हैं
पैरामैग्नेटिक, ये कहते हैं हमारे पास डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, और एक और आते हैं फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक में ये सब्सटेंसेस आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ हीट, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। तो जिस फील्ड में आप लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं, देयरफॉर वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर आप ईएस लगा रहे हैं नॉर्थ टू साउथ, बता सकते आपने यहाँ पे स्पायर मैग्नेटिक, तो कुछ फील्ड ऐसे जैसे गुजरेंगी, कुछ फील्ड को अवॉइड भी कर जाएंगे। और इनके लिए टाइम इज पॉजिटिव बट लेस देन वन, म्यू आर इज ग्रेटर देन वन, करेक्ट। इन ग्राफ ऑफ टाइम टू टेम्परेचर इन लाइक दिस, समझ गए। पैरामैग्नेटिक में वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, जिसकी वजह से वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। और अगर आप पीनेस लगा रहे हो तो पीनेस को क्या करती है, इसको अवॉइड करती है, अवॉइड भी नहीं करेंगे, इस तरह से पास नहीं करेंगे। टाइम वैल्यू इज नेगेटिव एंड यू आर इज ऑल्सो लेस देन वन, ग्राफ प्लॉट करेगा इसको टाइम का रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ग्राफ डजंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, करेक्ट। पैरों में क्या होता है, डोमेन्स होते हैं, बड़ा डोमेन्स, बेसिकली डोमेन्स आर अ ग्रुप ऑफ डाइपोल्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे मान लो स्कूल आगे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो उसमें एटम्स से ग्रुप बना रखा है, ऐसे ग्रुप बना रखा है कुछ डाइपोल्स इस डायरेक्शन में, कुछ डाइपोल्स इस डायरेक्शन में, कुछ डाइपोल्स इस डायरेक्शन में, कुछ डाइपोल्स आपकी इस डायरेक्शन में। तो दिस ग्रुप ऑफ डाइपोल्स व्हिच इज ओरिएंटेड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन आर कॉल्ड डोमेन्स। द डोमेन्स बेसिकली डोमेन ग्रुप ऑफ डाइपोल्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन, समझिए। ऐसे सब्सटेंस को जब आप एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, अगर आप एक्सटर्नल फील्ड लगाई इसके अंदर, तो क्या होगा, ये फील्ड डाइपोल्स को टॉप लगाएगी, फोर्स करेगी तो पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब क्या होगा कि डाइपोल से फील्ड के डायरेक्शन में थे, उनका साइज काफी ग्रो कर जाता है, क्योंकि बाकी डाइपोल्स जो इस डायरेक्शन में होते रहेंगे वो इनमें ऐड अप हो जाएंगे, और बाकी जो हमारे पास बचे थे वो बहुत कम रह जाएंगे, करेक्ट। तो सब्सटेंस ये हाईली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, दिस सब्सटेंसेस आर हाईली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, करेक्ट। और ग्राफ प्लॉट करें आईएम का टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली, दिस इज कॉल्ड टीसी,
sky airways, this is one by TC minus T. So that is one of TC critical temperature. What temperature is kebab? Paramagnetic substance converts to paramagnetic substance. Okay. And value of IM is much greater than 1, and also UR is much greater than 1. Samajh gaye? Product karna hai. Good.